दोस्तों, क्या कभी आपने थिएटर को स्टेडियम बदलते हुए देखा है? ऐसा 22 साल पहले जब हुआ था, जब गदर बड़ी स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, उस टाइम सनी देओल के एक्शन सीन देखकर लोग पगला गए थे। विदेशी सुपर हीरो उनके सामने छोटे छोटे बच्चे जैसे दिख रहे थे। किसी ने यह नहीं सोचा था कि 22 साल बाद गदर का पार्ट 2 बनाया जाएगा। और भैया, शायद हम गदर के रिलीज होने के बहुत पास खड़े हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि गदर 2 कब रिलीज होने वाली है और उसका ट्रेलर कब आने वाला है। तो भैया, अपडेट ऐसी आ रही है कि ओरिजिनल गदर को थोड़ा कलर वगैरह करके, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा पावरफुल बनाकर 2002 वाली गदर को एक बार फिर थिएटर में रिलीज किया जाएगा पब्लिक के लिए, वह भी सिर्फ 9 जून को। तो भैया, उन लोगों को अच्छा चांस है जिसने गदर को थिएटर में नहीं बल्कि टीवी पर देखा है। तो भैया, इस बार गलती मत करना, आप 9 जून को थिएटर में जा सकते हैं गदर को देखने। बस यही से मेकर्स गदर 2 का माहौल बनाना चालू कर देंगे और धीरे धीरे फिल्म से मिली अपडेट पब्लिक के सामने आते जाएंगे। इसी के साथ ही गदर 2 का छोटा सा टीजर रिलीज किया जाएगा जो कि 1 मिनट का होगा। तो भैया, गदर 2 के लिए 1 मिनट ही काफी होगा। मास सिनेमा में एंट्री कराने का सिनेमा को, वह भी ऐसी जो शायद ही कभी भूल पाएगा, KGF की सोने की दुनिया और हमारे पुष्पा भाव झुकेगा। नहीं साला, अब इन दोनों को समझ में आएगा कि असली हीरो कौन है, क्योंकि बोला जा रहा है कि गदर 2 में ऐसे लेवल सीन को डाला गया है जो कि कभी किसी ने ट्राई भी नहीं की होंगे। कुछ दिन पहले गदर के कुछ सीन भी लिख हुए थे जिसमें सनी देओल मास अंदाज में दिख रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया फिल्म में कुछ भी बड़ा है। 15 जून को गदर 2 का टीजर रिलीज होगा। लेकिन भैया, एक दिक्कत और है। गदर 2 के सामने रणबीर कपूर और बॉबी देओल की आने वाली फिल्म एनिमल जोगी रिलीज होने वाली है अगस्त में, और 11 अगस्त 2023 को गदर का पार्ट 2 भी रिलीज होने वाला है। ये तो पक्का है कि एनिमल्स गदर 2 के साथ कलेक्ट करे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया दोनों में से एक मूवी अपनी रिलीज डेट बदल देगी। लेकिन कुछ टाइम पहले गदर 2 के डायरेक्टर बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी मूवी आ जाए, लेकिन हमारी डेट नहीं बदलेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एनिमल के डायरेक्टर अपने रिलीज डेट बदलेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों मूवी का क्लेश पक्का है। क्या आप 9 जून को ओरिजिनल गदर रिलीज हो रही है उसको देखने के लिए जाएंगे? क्या आइडिया बकवास है? 22 साल बाद कौन देखेगा? एनिमल्स या गदर, दोनों में से आप कौन सी मूवी देखेंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोनों में से कौन सी मूवी हिट होंगी?